जय हिंद दोस्तों, आज आप सबके लिए एक ऐसी हस्ती की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गोरखा रेजिमेंट के एक ऐसे डेंजरस सिपाही जिन्हें अपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और पराक्रम के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 24 अगस्त 1956 देहरादून उत्तराखंड की एक नेपाली फैमिली में जन्म लेते हैं कर्नल ललित राय। उनके पापा मेजर टीबी राय भी 11 गोरखा राइफल से ही थे। बचपन से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के जज्बा था। उसी जज्बा को कायम करते हुए उन्होंने 7th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल ज्वाइन करते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद 11 गोरखा रेजिमेंट के इस सोल्जर ने सभी प्रकार के टेरेन्स में ड्यूटी किया है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो, चाहे वो डेजर्ट हो। अपने मिलिट्री करियर में उन्होंने डेंजरस काउंटर टेररिज्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स भी ज्वाइन किया। 17 राष्ट्रीय राइफल्स को कमांड भी किया। राष्ट्रीय राइफल्स में ड्यूटी करते वक्त उन्होंने कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उनके मिलिट्री करियर का दूसरा अध्याय शुरू होता है जब कर्नल जेबीएस यादव साहब ने ललित सर को 11 गोरखा राइफल्स को कमांड करने के लिए बुलाया। उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के समय बटालिक सेक्टर में 11th गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर बने। कारगिल युद्ध के सबसे इंपॉर्टेंट मिशंस ऑपरेशन विजय में सबसे पहले 11 गोरखा राइफल्स को ही डिप्लॉय किया गया था। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट होने की वजह से कर्नल ललित राय को 11 गोरखा राइफल्स के साथ में बटालिक सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। कर्नल ललित राय ही एक प्लाटून को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल ललित राय को खलवार पोस्ट को रिकैप्चर करने के लिए भेजा गया, जो लगभग 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। पर क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे, तो नीचे से ऊपर उठते वक्त पाकिस्तानियों ने ललित राय और उनके टीम के ऊपर भयानक फायरिंग करना शुरू कर दी। इस भयानक फायरिंग में ललित राय अद्भुत युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने टीम के 5 प्लाटून को अलग अलग दिशा से अटैक करने का आदेश देते हैं, खुद फ्रंट से चढ़ाई करते हुए फायरिंग करना शुरू करते हैं। सामने से ब्रस्ट के मोड में दुश्मन की ओर से फायरिंग आ रहा था। एक के बाद एक उनके साथियों को गोली लगती रही। बहुत डरावना होने लगा। उस वक्त अचानक कर्नल ललित राय के घुटनों पर गोली लग जाती है। जब कमांडिंग ऑफिसर को गोली लगता है, तब पीछे टीम के मनोबल थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन उस सिचुएशन पर भी कर्नल ललित राय ने अपने टीम को मोटिवेट किया और गोली लगने के बावजूद वो अद्भुत वीरता के साथ में आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने टीम से कहा कि इन्होंने तुम्हारे साथी को मारा है, तुम्हारे सीओ साहब को गोली मारी है, इन्हें छोड़ना नहीं है। उनके अंदर इस तरह की जोश और साहस देखकर उनकी टीम पूरी ताकत के साथ में दुश्मनों के ऊपर कूद पड़े और पांचों दिशा से भयानक तेजी के साथ में दुश्मन के ऊपर अटैक कर दिया। भयानक गोलाबारी में कर्नल ललित राय और उनकी टीम ने खालोबार पोस्ट को रिकैप्चर किया, और न सिर्फ रिकैप्चर किया, 25 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां से भाग गए और उनके पास से भारी पैमाने पर स्ट्रिंगर मिसाइल, मशीन गन्स, बुलेट्स, एयर डिफेंस गन्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए। कर्नल ललित राय की इस अद्भुत युद्ध कौशल, अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त सन 1999 को उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए, कारगिल युद्ध हो चाहे पीस टाइम ऑपरेशंस, कर्नल ललित राय जैसे सोल्जर्स इस देश के लिए जान देने और लेने से पहले दो बार नहीं सोचते हैं। इस चैनल का होस्ट मैं अभिजीत कर्नल ललित राय और उनकी टीम को सतकोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उस दिन वो थे, इसीलिए आज हम है। जय हिंद, वंदे मातरम।